विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया भले ही मिल गए, लेकिन शरीर में थोड़ा ग्लूकोज जाने के बाद मीडिया के सामने आकर तोगड़िया ने जो बातें कही है उससे कई लोगों का ब्लड प्रेशर गड़बड़ाने लगा है। प्रवीण तोगड़िया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कह दिया कि उन्हें मारने की प्लानिंग की जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तोगड़िया डरे हुए थे, इतने डरे हुए कि आंसू तक निकल पड़े। तोगड़िया ने इशारों इशारों में ही खुद के कत्ल की साजिश पर तीन ऐसी बड़ी बातें कह दी जो उनके समर्थकों के बीच बवाल मचा सकती है। प्रवीण तोगड़िया की हालत अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं है, लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं कि फिलहाल उन पर कोई खतरा नहीं। शरीर में बस शुगर लेवल थोड़ा नीचे चला गया था जिसकी वजह से वो बेहोश हो गए थे, लेकिन बेहोश होने से पहले तोगड़िया के साथ जो कुछ भी हुआ वो सारी कहानी तोगड़िया ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह सुनाई। तोगड़िया के इस कहानी से तीन बड़े इशारे मिलते हैं। इशारे उन लोगों के बारे में जो तोगड़िया के हिसाब से उन्हें जिंदा नहीं देखना चाहते। तोगड़िया का पहला बड़ा इशारा बीजेपी सरकार पर। तोगड़िया ने कहा कि उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। बकौल तोगड़िया उनके एनकाउंटर की साजिश रची जा रही है। तोगड़िया ने कहा कि जब वो पूजा कर रहे थे तभी एक आदमी उनके कमरे में आया और कहा कि आपका एनकाउंटर होने वाला है। तोगड़िया के मुताबिक जब उन्हें इसकी भनक लगी तो उन्होंने अपनी जेड सिक्योरिटी को बहाने से गुमराह किया और खुद एक ऑटो में भाग निकले। तोगड़िया ने ये बहुत बड़ी बात कही है। आपको बता दें कि जेड सिक्योरिटी सरकार की तरफ से मुहैया कराई जाती है। इस वक्त गुजरात और केंद्र दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, तो क्या तोगड़िया सीधा बड़ा इशारा बीजेपी की सरकारों पर कर रहे हैं? तोगड़िया का दूसरा बड़ा इशारा, पुलिस वालों को मिली थी सुपारी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भावुक होते हुए तोगड़िया ने कहा कि जब वो अपने घर से निकले तो सामने पुलिस वाले खड़े थे। तोगड़िया ने कहा कि उन्होंने पुलिस वालों से खुद को बचाने के लिए अपने मुंह को कंबल से ढका और वहां से निकल गए। पुलिस वाले गुजरात के थे या राजस्थान के पता नहीं, लेकिन पुलिस वालों से डरने वाले तोगड़िया को क्या इस बात का डर था कि उनके घर के बाहर खड़े पुलिस वाले ही उन्हें मार सकते हैं? तोगड़िया का तीसरा बड़ा इशारा, वसुंधरा राजे पर भी भरोसा नहीं। प्रवीण तोगड़िया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीसरी बड़ी बात कही कि उन्होंने भागते वक्त राजस्थान के सीएम और गृह मंत्री को भी फोन मिलवाया। इसके बाद उन्होंने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। सवाल यह है कि राजस्थान के सीएम और गृह मंत्री से ऐसा उन्हें क्या संदेश मिला कि उन्होंने घबरा कर अपना फोन ही बंद कर दिया और फिर जब सामने आए तो सीधा एनकाउंटर का आरोप लगा दिया। हालांकि तोगड़िया के इन दावों के बीच उनके लापता होने पर कुछ और भी थ्योरी सामने आ रही है। पुलिस के मुताबिक राजस्थान पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने खुद ये सारा ड्रामा रचा था। पुलिस ने उस शख्स का भी पता लगा लिया है जिसने 108 एम्बुलेंस को फोन किया था, वो भी तोगड़िया का ही परिचित है। आपको बता दें कि तोगड़िया सोमवार सुबह से ही लापता थे। करीब 11 घंटे बाद वो अचेत अवस्था में मिले, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब तोगड़िया के लापता होने के पीछे असली सच्चाई क्या है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।